अभी बज रहा है सुबह का 11:35 और अभी आज हमारे नाश्ते का दस्तर लगा है इतनी देर से। ये जैम मैं अभी दस्तर पर रख रही हूँ। आज नाश्ते में क्वालिटी का क्रीम पाव खा रही हूँ मैं। रात ही दिन का ये सिंपल सा नाश्ता, जैम पाव और चाय। आज नाश्ते के दस्तर पर मेरा बेटा नहीं है साथ में, क्योंकि वो सुबह ही 8 बजे चला गया है जॉब पर। तो बस आज हम ही हैं नाश्ते पर, मैं और उसके पापा। कुकू के जाने के बाद सुल्तान इतना शरीफ हो गया है कि पिंजरे से ही बाहर नहीं निकलता है। बिल्कुल भी मुझे नहीं सताता, बिल्कुल भी चिल्लन चिल्ली नहीं करता देखो, और उल्टा मुझे बाहर निकालना पड़ता है इसे पिंजरे से ज़बरदस्ती, लेकिन ये बाहर नहीं आता। इतना शरीफ हो गया है कुकू के जाने के बाद, क्योंकि कुकू ही इसे परेशान करती थी जिससे डर के मारे ये पिंजरे में रहना ही नहीं चाहता था। सही बोली ना वो? हाँ। सुल्तान क्या कर रहा है? इस रस्सी से खेलता है सुल्तान, छोटा था जब से खेलता है इस रस्सी से। हम जब इसको घर में लाए थे ना, तो बस दूसरे तीसरे दिन से ही वो इस रस्सी से खेलने लगा, तो अब तक इसी रस्सी से खेलता ही है। सुल्तान अकेले बहुत खुश है, वो तो अपने पिंजरे से भी बाहर आने को रेडी नहीं होता। तो देखो मैंने क्या आइडिया लगाई, इसकी खाने की डिब्बी पिंजरे से बाहर निकाल दी मैंने, तो खाने के लिए ये बराबर पिंजरे से बाहर आया। तो फिर अब एक बार फिर बाहर आता है तो फिर पिंजरे में नहीं जाता, और पिंजरे में रहता है तो बाहर नहीं आता। ये देखो सामने से कुक्कू ने इसको टकला कर दी थी, अब तक ये निशान है, कुक्कू की निशानी। जो अब अपने घर में रह रही है। सुल्तान आ जाओ, आओ जल्दी से, आओ जल्दी से आ जाओ, आ जाओ इधर। बहुत अच्छा बच्चा है सुल्तान, बिल्कुल भी नहीं काटता, बहुत अच्छा है ये। और अब तो चिल्लम चिल्ली भी नहीं करता, शोर भी नहीं करता, घर में चुप बैठा रहता है ना सुल्तान? अच्छा बच्चा हो गया सुल्तान अभी। ज़रा आके बैठो, नहीं तो देखो कैसा गोदी में आके बैठ जाता है। सुल्तान, ए सुल्तान, सुनता बराबर है अपना नाम। क्या हुआ, क्या हो गया सुल्तान को? हाँ, मैं कभी कभार इस तरीके से भी रोटी बना लेती हूँ, ऐसी रोटी भी बहुत टेस्टी लगती है। तो अभी मैं खा रही हूँ खाना, दोपहर का लंच कर रही हूँ मैं। लंच में आज मैंने बनाई हूँ कलेजी मसाला, थोड़ा ग्रेवी टाइप बनाई हूँ, क्योंकि अभी आप लोगों ने देखे कि मुझे ये रोटी के साथ खाना है। तो इसकी रेसिपी मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, तो इस बार नहीं शेयर करी। तो बस हो गया है अभी मेरे लंच करने का टाइम, तो मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए। तो आ जाओ आप लोग भी खाना खाने के लिए। ये देखो सुल्तान यहाँ पर बैठा है और कितना कचरा किया है इसने घर में, खा पी के आराम से बैठा है। पिंजरे से बाहर निकला है तो अब जाना नहीं है इसको। तो यहाँ पर शाम की चाय रेडी हो चुकी है, ये है मेरी चाय और ये है मोइन की चाय। मोइन आज जल्दी घर पर आ गया क्योंकि वो सुबह जल्दी गया था जॉब पर। और यहाँ पर सुल्तान को चाय देखकर पागलपन चढ़ जाता है, जैसे कि हमेशा कुकू ने आदत लगा कर गई सुल्तान को चाय पीने की। तो बस उसे चाय चाहिए अभी हमारी चाय देखकर। साथ में मैं ये खा रही हूँ पापड़ी, ये मुझे बहुत पसंद है, चाय के साथ खाने अच्छी लगती है ये। सुल्तान इतना कचरा करता है, ये मैं दिन में चौथी टाइम झाड़ू लगा रही हूँ। ये देखिए पूरी डिब्बी उब्बी खाने की सब गिरा के, बींच के सारे छिलके सब बाहर। ये चौथी टाइम मैं दिन में झाड़ू लगा रही हूँ। ये देखिए शहजादा कैसा ऊपर पिंजरे पे बैठा है, मुझे देख रहा है, इतना कचरा करता है कि क्या बताऊँ। और फिर क्या, ये झाड़ू नहीं लगाऊ ना तो ये सब इसके बींच के छिलके पैर में चिपकते हैं, तो इसलिए बार बार झाड़ू लगाना पड़ता है मुझे। कोने कोने में कचरा, कोने कोने में कचरा।
बहुत कचरा करता है सुल्तानपुर, सच में क्यों इतना कचरा करता है। हाँ देख भी रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ। अभी क्लीन कर दी हूँ मैंने घर, अभी फिर एक बार और झाड़ू निकालनी पड़ेगी रात में सोए सोए तक, क्योंकि जब तक ये और कचरा करने वाला है। ये देखो पूरा क्लीन कर दी मैंने घर, ये ऊपर बैठा है, अभी फिर से नीचे उतरेगा ना तो और कचरा फिर से वापस हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप लोग सब, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से ही होंगे। तो आज मैं अभी इस वक्त आप लोगों के सामने आई हूँ, सुबह से जो भी होता आया है मैंने आप लोगों के साथ बिल्कुल शेयर की हूँ। तो क्या है कि मुझे थोड़ा आने कम मिलता है सामने, और लेकिन जो भी रहता है मैं आप लोगों के साथ अपना रूटीन ज़रूर शेयर करती हूँ, क्योंकि काम की वजह से मैं जल्दी सामने नहीं आ पाती, लेकिन हाँ अपना सारा काम आप लोगों से शेयर ज़रूर करती हूँ मैं। तो और मतलब के है ना, आज जो मैंने बनाई हूँ वो भी आप लोगों ने देख लिए है, और कुकू चली गई है तो घर थोड़ा हम लोगों का साइलेंट हो गया है, क्योंकि सुल्तान बहुत खुश और आराम से रह रहा है, क्योंकि उसके रहने पे सुल्तान बहुत चीखता था, बहुत चिल्लाता था, क्योंकि कुकू उसको मारती थी तो डर के मारे वो बहुत चिल्लाता था। अभी देखो सुल्तान की ही आवाज़ आ रही, नए नए तरीक़ों से आवाज़ निकालता है वो। और मैंने बालों में ऑयलिंग की हुआ, क्योंकि कल मुझे शैम्पू करना है। मोइन भी आज सुबह से जॉब पर गया था सुबह 8 बजे से, तो आ गया वो शाम के 4 बजे वापस रिटर्न, तो अभी बस अपने फ्रेंड के पास गया है। और सुल्तान तो बहुत खुश है, जैसे कि आप लोग उसकी आवाज़ सुन ही रहे हो कि वो बहुत खुश है। तो कल मेरे बेटे की हॉलीडे है, कल वो घर में रहेगा, कल उसकी छुट्टी है इस वजह से। तो और सुल्तान जब से कुकू गई है तो पूरा टाइम पिंजरे से बाहर ही रहता है पूरा दिन, बस रात में सोने के लिए हम उसे पिंजरे में डालते हैं, वरना वो पूरा दिन बाहर रहता है तो घर में बहुत कचरा फैलाता है। और मतलब ऐसा है कि अब उसको पिंजरे में जाने अच्छा नहीं लगता, तो बस रात में ही हम उसे पिंजरे में डालते हैं, पूरा दिन वो पिंजरे पे चढ़कर या फिर पूरे घर में घूमता रहता है। और अभी देखो कितनी खुशी खुशी आवाज़ निकाल रहा है, वरना उससे चिड़के तो इतना चीखता था, इतना चीखता था कि एकदम कान सुन हो जाते थे हमारे, पर अभी खुश है। अभी मैं कर रही हूँ मेथी की भाजी साफ, कल मैं ये बनाने वाली हूँ आलू मेथी। तो क्या है, एक दिन पहले साफ करके रख लो तो आसानी होती है, वरना बहुत टाइम लग जाता है। तो मोइन अभी बाहर गया था अपने फ्रेंड के साथ, तो उसने मेरे लिए ये रोल है ना, चिकन रोल लेकर आया है। तो चलो देखते खा के इसका टेस्ट कैसा है। बहुत ही टेस्टी है ये चिकन रोल, शवरमे से भी ज़्यादा टेस्टी लग रहा है मुझे, पता नहीं कहाँ से लाया, बहुत टेस्टी है। ये देखो आज सुल्तान काफ़ी दिनों बाद फिर मोइन के साथ खेल रहा है, वरना जब कुकू आई थी तो मोइन को बस वो काटता ही था छिड़के, क्योंकि मोइन कुकू को कुछ भी खिलाए तो सुल्तान को चिढ़ आती थी, पर आज देखो बहुत अच्छे से मोइन के साथ खेल रहा है सुल्तान, वरना इतने टाइम से नहीं खेल रहा था जब से कुकू आई थी तब से। तो आज के मेरे सारे काम हो चुके हैं, हमारे रात का खाना भी हो चुका है, बिस्तर लग चुका है, मैं सारे काम से फारिग हो चुकी हूँ, और अभी है मेरे व्लॉग एंड करने की बारी। तो अगर आपको आज का मेरा व्लॉग पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कर दे, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं कल फिर मिलती हूँ आप लोगों को एक नए व्लॉग के साथ, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में मुझे भी याद करें। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।